हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कहूंगे न्यू स्टाइल की स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए, आज की जो स्लीव बनाएंगे वो हम डोरी की मदद से बनाएंगे डिजाइन। तो देखिये, हमने ये ग्रीन कलर की डोरी ली। देखिये, इस पर हमारे ग्रीन कलर के इस तरह से छोटे छोटे प्रिंट हो रखे हैं, इसलिए हमने ये ग्रीन कलर की डोरी ली है। आप सेम कलर की भी ले सकते हैं। और देखिये, हमने स्लीव और लाइनिंग दोनों कट कर लिए। ये हम शॉर्ट स्लीव बना रहे हैं। मैं आपको स्लीव का साइज बता देती हूँ। तो देखिए, स्लीव की जो लंबाई ली हमने 6 इंच ली है, और देखिए इसकी जो विड्थ ली हमने वो 9.5 इंच है। तो देखिए, उससे पहले हम नीचे स्ट्रेट सिलाई करेंगे, नीचे फिनिशिंग देंगे हम। तो देखिए, नीचे मैंने स्लीव सीधी रखी है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है, नीचे हम स्ट्रेट सिलाई। देखिए, हमने सिलाई कर लिए। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और हम नीचे भी स्ट्रेट सिलाई कर देंगे इस तरह। देखिए, इस तरह से हमने नीचे फिनिशिंग दे दी है। अब हम एक पट्टी कट करेंगे, वो कैनवास पे कट करेंगे हम। देखिए, हमने ये कैनवास लिए, इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया। तो देखिए, इस तरह से ऊपर हम 1 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे, और यहां से लेके हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और नीचे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। यहां पर 1 इंच पे मार्जिन निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया और पेंसिल भी हमने सेट कर लिया। अब इस पर हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह हमने कट कर लिया, दो पट्टियां कट करी हैं दोनों स्लीव्स के लिए। देखिए, हमने ये लाइनिंग लिया है, इसके ऊपर हमें इस तरह से कैनवास रखी है, और इसके हम इस तरह से चारों तरफ फोल्ड कर देंगे हम। देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों तैयार कर लिए पट्टी। अब स्लीव में अटैच करेंगे ना। देखिए, हमें इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर पार्ट में, इस तरह से हाफ रखे, और देखिए इस तरह से आएगा ये हमारा। नीचे हम 1/2 इंच का गैप रखेंगे बस। देखिए, इस तरह से पिन से सेट कर लेते हैं हम। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर दी चारों तरफ। जो बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया। अभी से हम अंदर फोल्ड करेंगे पट्टी को। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर भी यहाँ पे सिलाई करेंगे हम। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर ली। अब हम डोरी तैयार करेंगे। देखिए, हम इस तरह से डोरी तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से डोरी तैयार करने के लिए हमने ये डोरी तैयार की है। तो देखिए, इसके हम जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से, अभी से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
और इसको भी फोल्ड करेंगे हम। और देखिए जो हमारा बंद वाला साइड है, इस तरह से हम दोनों के अंदर डालेंगे और हम फिर जो डोरी है इसके अंदर से इस तरह से देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमारी ये डोरी आ जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरह हम बाकी डोरियां भी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। और देखिए हमने ये चार डोरी और बनाई है सेम स्लीव की मैचिंग की, तो इसे भी हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी डोरियां तैयार कर ली हैं। जो हमारी डोरी है वो हमारी इस तरह से आएंगी, चार हमारी ग्रीन आएंगी, दो इस साइड और दो उस साइड, बीच हमारी एक पिंक कलर की आएगी इस तरह से। देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर ली, अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए हमने ग्रीन कलर की लेस ली है और इस तरह से हम पूरे पे लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे लेस लगा दी, सेम से मैंने अपनी दूसरी स्लिप भी तैयार कर ली है। देख सकते हो आप इस तरह से हमारी दोनों स्लिप तैयार हो गई। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है स्लिप्स का। तो आप इस तरह से ये सुंदर से स्लिप डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी।